कर्म के पाठ पढ़ाए, ज्ञान ध्यान सबको सिखलाए, गंगा यमुना सरस्वती का पावन ही संगम कहलाए। लगता है कुंभ का मेला, साधु संतों का रेला, लगता है कुंभ का मेला, साधु संतों का रेला, यहाँ एक बार जो आ जाए उसका जीवन आबाद। ये है इलाहाबाद, ये है इलाहाबाद, ये है इलाहाबाद, ये है इलाहाबाद। श्री राम श्री राम जय जय राम, जय श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। बाबू रे सामान सब उतार एकदम, उतार उतार एक एक चल। ए पानी उतार, ये कितना दिन के पड़ा हुआ हमने के। ए सुगा जौले लक्ष्मी बरसत रही तौले आपन नौटंकी चलत रहे, बाकी शोभा मौसी जाने हमनी सब काम बा काम करे के काम करो नाचब गायब सन। ए उठा ना रे, हम एकरा के उठा लेते नहीं। ए मौसी बात है रखना सुन प्रणाम यो अरे खर्रा पीके खर्रा पीके खर्रा पीके नरियाई पड़े मौसी जी प्रणाम प्रणाम कमाई सुधर जो ना मुंह में कुछ ठूस दे। आई लव यू जट आई लव यू जवानी पुलता मटका में चढ़ल ब बियाह शादी भेल हम तो चार पांच ठो केचा केची पैदा हो गेलो। ठीक हां ठीक बुझो काम कर मौसी के ये बात सुने खातिर हम सब बेचैन रहत रहनी। उतारो ए मौसी श्याम बाबू कहाँ बड़े। अरे तो के मालूम नहीं के आज 15 अगस्त हो। अरे देश भक्ति तो करा भीतर तक घुसल बो उ कुल भूला सकेल बाकी झंडा फहराइल न। अरे होखी तो झंडा फहराव तो हरा लाश पर लाश अपनी बिछाए।
पर हुए हैं शहीद, वो तिरंगा के सच्चे थे। मैं अब कैप्टन सुशील जी से अनुरोध करती हूँ कि मंच पे आए और इस नौजवान युवक को मेडल प्रदान करें जिसने अपने सुंदर गाने से सबका मन मोह लिया है। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते, आइए। क्या बात है, शुक्रिया। आज तू माँ भारती के सम्मान में समा बांधते रहा। अरे सर, समा तरवा जिसन वीर सिपाही लोग सीमा पर बांधे रहा। हमने के कहा, हमने तराउट जिसन फौजी के सम्मान में थोड़ा गा बजा के सूरज के दिया दिखाई। अरे तहरा कैसे पता चला कि हम फौजी वाले? हाँ, रवा के आबे से पहले हमने के मालूम रहे। तू तो बहुत अच्छा गावेला, माँ सरस्वती के साक्षात वास बा तो हर गला में। तू एल्बम वोल्बम काहे नहीं बना वाला? अरे ना सर ना, बहुत छोटा आदमी बानी, और इतना बड़ा सपना देखे के हमनी के ताकत नहीं थी। और वैसे भी हम अपने नाच गाना में बहुत खुश रहे। अच्छा, हमारा ड्यूटी के टाइम हो गई बा, तो हम चला तानी। जय हिंद। जय हिंद। भाइयों एवं बहनों, तो देखना ना भूले, आपके इलाहाबाद शहर में आ गया है गुलाबो साहिल थिएटर, रोजाना 400 में। तो भाइयों एवं बहनों, देखना ना भूले गुलाबो साहिल थिएटर। तो भाइयों एवं बहनों, रोमांस और मस्ती से भरपूर गुलाबो साहिल थिएटर, रोजाना 400 में। 30 डांसरों के साथ मस्ती से भरपूर गुलाबो साहिल थिएटर। ए लड़की, तू कितना सुंदर लग रहा है। हां, निकले बानी कहां बारी? ये देखा भाई हो दादा। अरे पगला गेल बारू का? लगा तो देह पर ढेर जवानी चढ़ल बा का। राजा जी, जीवन भर गणा से बनल रहबा का? बूझत काहे नहीं खा, पानी में आग लगावल ना जाला, चाय वाला के इतना तड़पावल ना जाला। मान जाओ, मन मिलन खातिर बेकरार बा। ता सकल देखले बाड़ू अपन? हाँ, रोज देखे नी, कैटरीना कैफ लागे नी हम। तहरा नियन लगी से दिल लगावल तो दूर, नफरत तो कैल पसंद ना करे।
अच्छा तो का कमी बा हमरा में? 16 के उम्र बा, 28 के कमर बा, बमकल हमर जवानी बा। एक बार हाथ लगा के तो देखला, सौंसे दहिया में भरल पानी बा। या मैडम, तो अपन पानी कहीं और जाके बहाव। और रहल बात प्यार के, तो तहरा से नहीं मन, हमरा कोठरी के दीवार बा बुझलू। अच्छा, तो का कमी बा हमर दहिया में? कोना एंगल से तोहर दीदिया से कमजोर बुझाता नहीं। बारा आइलो हमरा दीदिया से पर्दा करे वाली। हाँ तो करब ना। मुंह देखले बारू अपन। हाँ कितना बार तो बोले बानी, रोज देखे नी। तहरा मुंह से नीमन हमरा दीदिया के गोर बाटे। उनकर नैन कटारी, उनकर हिरनी जैसन चाल, नागिन जैसन बाल, उनकर एक अदापे लाखों लोगों के दिल धड़केला दिल।
यही कह दी दिया। अब हम इतना भी लेकर नहीं खे जो हम अपना हाथ ना खा सके। अच्छा तू हमरा खातिर अब तक बढ़न नहीं खा भइल बुझला के तू अपना हाथ से खा लेबा। देखा दूसरा दिन हम तोरा के हाथ से ना खिलौनी तो मुंह सूख के कैसे काट हो गइल बा दिखाई देता ल गुलाबो। हां हां मौसी आई ना ये बुझी बोली अरे हैया तो पहले ही दिन धान का बारिश हो गइल। अच्छा हे जितना समूचा धन देखा तारो कि पहले ही दिन का कलेक्शन बा। लागत है कि तोरे हुस्न का जलवा यहाँ के लोगन के सर पे जादू कर देले बा। मौसी ई इलाहाबाद है कला के कदरदानन के शहर है। तू देखी है अब आगे आगे का होई हमनी के जे सोच के एजा आइल बनी ना तू देखी है हमनी के सब कुछ एजा पूरा अरे बुची सब कुछ होई है बुची बोली गुलाबो हला एक काम करा है के रख लो अच्छा खर्चा बर्चा निकाल के जोन बची नू हा मैनेजरवा के बुला के कल बैंक में जमा करवा दी। ठीक बा आ सुनो बोली तू थक गइल हो खा पी के सो जा। हम हूँ बुची बहुत थक गए जाके सो। ए मौसी हाँ एगो बात बतावा हाँ। डांस हम कहीं नहीं हाँ। तब तू का है ना थक गए लो। ए बुची जवान बड़ू मोटगा तोहरे चढ़ल बनो अरे हमार पुरान माटी हो अब ना थकब तो कब थकब रे पागल आए हो मैया खा और सुन ये पैसा पकड़ रखा अपना पास। ये क्या दीदी इतना पैसा लेके हम का करब। अरे जवन मन में आई ओ करी हा देखो अब हम इतना पैसा केकरा खातिर कमाता नहीं तोरा खातिर ना अब हमार भाई बाप भाई बहन सब तू है बड़ा। ए दीदी तू चिंता मत कर जब तक ये अपना सारा जिम्मेदारी पूरा कर हां ये पैसा अपने लगे रखो काले बाजार चले जाए वही जगह दे दे ये रख। ठीक बा जैसन तोहार मर्जी। ई लेका के फोनो नहीं खिलागत बेरी बेरी आंखें से ओझल होके वाला आदत एकर कबो न जाई। दीदिया कहाँ चल गेल रहला हा तोहरा से हम कहले रहनी ना कि ब्यूटी पार्लर में हमरा के बस 15 मिनट लागी। सॉरी दीदी अब ई में का हा भाई में बा हमरा प्यारी दीदिया खातिर बनारसी सा और आई में बा मौसी खातिर। अच्छा ए भाई अभी से कुल जमा करब तभी ना तरह ब्याह में 5 गो पेटी सरियाई। अच्छा ठीक बा ए बतावा कि अपना खातिर कुछ खरीद ले पड़ा कि ना। अरे ए में अपन के की बात बा हमरा बहिन के सारा अरमान पूरा हो जाई ओकरा अलावा एगो भाई और का चाही। ऐसे काम ना चली तोहरा के भी कुछ लेवे के पड़ी तभी निमन लागी। चल ओए हमरा का ए जा हमनी खड़ा बानी पेहु और के जेकर इतना सुंदर बा कितना सुंदर होई हो। भाई तू रुक जा कुछ मत कर कुतन के काम होला भोके के भोके दोकरा के। ओ मैडम कुतवा खाली भोकबे ना करेला नोचबो करेला। भाई छोड़ श्याम
कान पर रखे। शाम बहुत चोट लग गई बाका। कुछ नहीं दीदी। अरे तू ठीक तो पड़ा ना? ए मिस्टर, हाल चाल लेके हीरो बंदी मत दिखावा। तोरा के का लागल कि हम एकदम मुख चपाट होगा कि तू अपना प्रेम जाल में हमरा के फंसा लेबा? ए अगर तू ऐसे सोचत रहा ना तो तू गलत सोच रहल बाड़ा। हम गुलाबो है गुलाबो, अच्छी तरह हर घाट का पानी हम सब बुझीला बुझला। निकल जाओ निकल। अरे अजब टाइप की लड़की बाड़ी तू। अरे हम तहनी लोग के मदद करनी हां, थैंक यू बोले के बजाय हमरा ऊपर सतुआ पानी लेके चढ़ गेलू। अरे लेकिन हमार गलती का बा भाई? ऐसे पूछे था ना जैसे कुछ पता ही नहीं के। ओले ले ले, कितना भोला बड़ा ना। ए मिस्टर, भोला बन के गोला मत दागा। हम खूब सिनेमा देखिले, हीरो पहले गुंडन के भेजिला, ओकरा बाद खुद आके गुंडन के मार भगावेला, और बेचारी लड़की लड़की तो इम्प्रेस होके ओकरा के अपना घर लेके जाले, और ओकरा बाद का मामला सेट। ए मजनू, तोहरा के सबक सिखावल गुलाबो को अच्छा तरीके से आवेला बुझला। चल कहा तो? तू चले जा से चल। अरे दीदी सुना तो? अरे अरे ए हीरो, कहाँ चल दिया ना? अरे अपना घरे जाता नहीं। अरे तू ही तो कहत रहलू कि हम तोरा के पटा रहल बानी। पटावल छोड़ देनी। हाँ ठीक बा, अब निपट ले नहीं से। अरे वाह, बीच बाजार में लेकी की मुसीबत में छोड़ के तू ऐसे कैसे जा सकेला? हाँ यह बात और जैसे मर्द की मर्दानगी। अरे मारा हम काके। अरे निपट ला निपट ला, खुद ही देख ला। अरे अरे वो तो चल गई ले। दीदी तू इनका पहचान ले लू ना, ये कैप्टन सुशील हुए। हाँ? कारगिल के युद्ध में देश खातिर लड़ चुकल बाड़े। अरे ये तो सचमुच के हीरो बाड़े। हम हाँ? इनका के देखते ही पहचान गई रहनी है। और वो सब तो मजाक करत रहनी है। अगर रवा के कुछ बुरा लागल होके तो हमरा के माफ कर दी। अरे सुना चले के वो मौसी घर पे हमारा इंतजार करत होगी। हाँ चलो, वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। चलो बाय। कमाल की लड़की भी, पल में तोला पल में मासा। गुलाबो आयल की ना? ना मौसी,
अभी तक तो ना आई ली। अच्छा ठीक बते के रख लो, जब वो आई तो के दे दी हो। ठीक बा। ए तुम्हारानी एगो साटा लिखा के का एमएलए दुखारन राय के नाम पर, जिनका ना सुने का आदत ना है। अरे सरकार तो ना के कह रहल बा, खाली रउआ बताई तारीख कब के बा। आज रात के। आज रात के? आज के रात का तो सट्टा ना बुक हो पाई, कि और के बुक कर देले बनी। ए सट्टा वापस कर दा, हमारा ना सुने का आदत ना है। पेमेंट जितना उजा से मिली ओकरा से डबल दे, लेकिन काम सिर्फ हमार होके के चाहिए। जाई आप कह देनी तो सट्टा लिखा गई हो जाई। चल रे। हाँ सर। पैसा तो तू थाम ले लू मौसी, लेकिन दोनों सट्टा पुरावल कैसे जाई? ए बिटिया अब यहाँ नाते थाम ले लेनू, ना थमती तो न शरीर रहत न जान, आ ना बोले खातिन जबान। ले लो, रात का बात रात में देखल जाई। दीदी, अरे दीदी समझ गई ली, धूप के खुद से बचाई, समय समय पर खाना खा ले और साजी देर होला से पहले घरे चलाई। रोज रोज तो तू इतने कहलू, एकरा अलावा और कुछ बचल बा? हाँ बचल बा,
अपना भाई के नजर उतारल। दीदी हमरा लेट होता, हम जाएं? अच्छा ठीक बा, जा। बाय बाय। दीदी दीदी दीदिया दीदी 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 कहाँ हो गई? दीदी उठा दीदी। अरे करो पानी लाओ दीदी। हेलो मौसी, हेलो दीदी। अरे चुप, दीदी अरे करो पानी ला रे दीदी। ला 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 दीदी 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 पानी पास में उला बो। ए गुलाबो ठीक बानू ना? हाँ हम ठीक बानी। श्याम? हाँ दीदी। श्याम उठो 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 दीदी ठीक बानू। का जरूरी रही सब करे के? अगर तोरा के कुछ हो जाए तो हमार का होई? अगर तोरा के कुछ हो जाए तो भाई तोरा खातिर बिजली के खंबा तक मौसी भी टकरा के पड़ी तो हम टकरा जाए। आज के युग में भाई बहन के ऐसा प्यार तो देखे के ना मिली। अरे ऐसा प्यार महतारी ओकरे औलाद में देखे के ना मिली। तू धन्य बड़ू गुलाबो, तू धन्य बड़ू। चुप हो जा, काहे रोता है? आजाद नगर के कुछ लोग आई बा अपन अपन समस्या के लेके। का कहते बैठाई की टरकाई? अरे बुरबर है, हमारा नाम कहा रे? दुखहरण राय। लोग के दुखहरल तो हमार धर्म है। जो भेज जो। का काम बा विधायक जी? जहिया से रहुआ विधायक बननी है? आजाद नगर में दर्शन दहल तो दूर, झांकी पावे भी ना पैनी। चुनाव में तरुआ बड़का बड़का वादा के लिए रही, समाज सेवा करे के तो ऐसे हुक्का पी के समाज सेवा होई? तू ये लोग के नेता हुआ ना? हम राउर चुनाव क्षेत्र के जागरूक नागरिक हैं। अगर जागरूक नागरिक हुआ तो इतना तमीज होके के चाहिए कि अपने जनप्रतिनिधि से शिकायत कैसे कही जाला? कहनी में से के हुए एक आदमी यही जा रुके और बाकी हमारा गेट आउट कहे से पहले अब बोला का शिकायत बा? हमारा मोहल्ला के ट्रांसफार्मर जरले 3 साल हो गए बा। दूर मर दे ता हम तारा ट्रांसफार्मर बनाए वाला मिस्त्री नजर आवत नहीं हो। विधायक हैं हम ही जाके? विधायक विधायक हैं यही से तरह हुआ कि हम याद दिलावेल बनी कि समाज सेवा का होकल। समाज सेवा? आई हो दादा कैसन समाज सेवा हो? जैसे कारगिल के लड़ाई में तू कई ले रहला, वर्दी पहला हिंदुस्तान के और लड़ा तरला पाकिस्तान के तरफ से, जाना तरह तहरा दिशन लोग के का कहल जला? गद्दार। हम गद्दार है कि ईमानदार? एकर फैसला करे वाला तू ना, भारत सरकार करी, लेकिन तोहर फैसला हम करब। जनता के वोट लेके जनता के जे भुला जाला जाने तरह करा के का कह जाला? दलाल दलाल और दलालन के सिर्फ एक ही सजा होला। साला कुछ हाँ कहा, दम तबा हिंदुस्तानी फौजी के हाथ में। सिन्हा दीदी, दीदी तू ठीक तो बाड़ू ना? अरे हाँ बाबा हम एकदम ठीक बानी, बस थोड़ा कमजोरी लागत था, खाई पिया तो ठीक हो जाए, एकदम बढ़िया बानी। हम तो जैसे बाजार से आनी करेंट के बारे में सुन के हमार खूने सूख गए। श्राम श्राम कैसन बाड़न?
हमरा रहते हमरा भाई के कुछ हो सकेला का? वो एकदम ठीक बा। ठीक बाड़े तबो, कम से कम आज तो उनका ना जाए देवे के चाही। जब सवेरे सवेरे जतरा खराब हो गेल हा, तो फिर काहे आज उनके निकले देलू हा? उनका का कुछ हो गेल हो तो? का बात है मीरा? श्याम खातिर हमरा से ज्यादा तू परेशान बाड़ू? कहीं श्याम और तोहर बीच? हाँ? तू हो ना दीदी, कुछ भी सोचे लू। ओ सोचे के तो पड़ी, श्याम के बारे में भी और ये मीरा के बारे में भी। हमने सोचे के इतना का बात बा? आज सब केहू के इकट्ठा होके ये फैसला करे के बा कि एमएलए दुखहरण राय के कौनो हालत में आजाद नगर में नईखे घुसे देवे के। तो हमने के आप का करे के चाहे? ये है कि अपना क्षेत्र से कोई आपन आदमी के, अपना इंसान के खड़ा करे के चाहे। वो इंसान जे आपके समस्या के समझ सके, वो इंसान जे आपके दुख सुख के बराबर के भागीदार बन सके। भैया जी, आपके अनुसार क्या हो सकेला वो इंसान? करीम चाचा। भैया ये तू का कह रहा बड़ा? आजाद नगर में 77% हमने हिंदू बनी और 15% ही मुसलमान। अगर ये 15% मुसलमान हमने के डोमिनेट करी तब तो हो गई कल्याण। ये सब लोग सही कह रहे बाटे सुशील बेटा। हमनी ई देश के होके भी देश के ना समझल जानी। पत्ता लाहौर और कराची में खड़केला, लेकिन ओकर तूफान हमनी पर आवेला। आग सीरिया और इराक में लागेला, लेकिन ओकर लपट हमनी के दहलीज छुएला। दुनिया में कौनो आतंकी घटना घटेला, लेकिन शक की निगाह हमनी पे आवेला। अब हम अपना हिंदुस्तानी भैला के और इंतजाम नहीं के दे सकत। तू ही जिम्मेदारी केहू और के सौंप दे। ऐसा मत कहा चाचा, मत कहा। नादान है वो लोग, नादान है वो लोग जो मजहब के नाम पर काटते हैं। हिंदुस्तान का हर हिंदू मुस्लिम सुख दुख तो छोड़ो, अरे गम और दर्द तक को बांटते हैं। और तू मनोज का कहत रहला कि ये 15% लोग तहनी के डोमिनेट करिए, ये तहरा के गंवारा निखे। भुला गिला तू तोहर बाबूजी जब बिस्तर पर खून खातिर मुआत रहलन, तब यह करीम चाचा, यह करीम चाचा अपन खून देके तोहर बाबूजी के बचेलन। जा जा और अपन बाऊजी के देह में से करीम चाचा के खून पहचान के अलग करके दिखावा। ये उहे करीम चाचा हवन जे तजिया भी बनावले और जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान के खटोला भी। और केहू के करीम चाचा से आपत्ति बा? हमारा नेता कैसा हो? करीम चाचा जैसा हो। 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 बहुत नौटंकी कर लेला दुखहरण राय, अब तोहरा के बताई कि नौटंकी कैसे होला। ए बुची, हमनी नौटंकी वाला ही तो सच्चा मोहब्बत के जिंदा रखले बानी जा। बाकी शरीफन के बस्ती में ना तो प्यार भी सौदा बन गए बा। मौसी हाँ, अगर हमके शाम ना मिलल ना तो हम अपन जान दे दे। जान देवे के बात करबू ना भतर खो खो तो मार के मुहा फुला देव। इतना मोहब्बत उछाल मारत रह तो गुलाबों के सामने कहलू का है ना? हम तो कहे के चाहत रहनी है ना, लेकिन वो ऐसे अचानक से पूछ ली ना तो हम घबरा गई नी। घबरा गई नी हो मौसी? हाँ, कैसे भी करके कुछ भी कहके हमारा और शाम के मिलन करवा दी ना। मिलन करवा दी ना, चले देबो। हाँ ठीक बा, गुलाबों का मूड सही रही नू,
हम तोरा बारे में बात करो। मौसी तू कितना निमन बारू। हे हे लिप्पी झिप्पी जोला चौले बारू, ये हमरा खातिर मत कर, अपना होके वाला भतार खातिर बचा कर चुमता। कबो न टूटी ई नाता कबो न छूटी, जैसे सीप में मोती नदिया संग किनार, ऐसन भाई बहन के प्यार, ऐसन भाई बहन के प्यार, ऐसन भाई बहन के प्यार, ऐसन भाई बहन के प्यार। Thank you.
हम चले। हाँ दीदी। अरे शाम, जीत रहा, खुश रहा। आज हमारा जन्मदिन है, हमके आशीर्वाद दी। हम सच्चा दिल से तोके आशीर्वाद दे तनी बबनी, रुआ खुश रही। दीदी ये तू का कहीं, सुशील जी तो जान बचे ले और तू इनका कैप का है देखो। ये का कर देना दीदी, बस करा, इतना देखबू तब प्यार हो जाए। अब चला। का बात बा मीरा, हमने के देख रहल बानी के दिन बे दिन तोहार जवन पर निखार बढ़त जा रहल बा। तो तू हो के उसे दिल लगा ला, तोहार जवन भी खेल उठी। देखो मीरा, प्यार कैले बाड़ू ता जल्दी से गाड़ी पटरी पर चढ़ा ला, कहीं देर हो गई ना तो हम ही लेके उड़ जाए तहरा आशिक के। हो गई, हम तो हर कोशिश करके हार गई है और एक उबा की भावे नहीं खे दे। अब तू है लोग बतावा ना कि हम कहा करी। हमार मानत आज के आज कदा जय विजय, मेरा आज गुलाबो दीदी के जन्म दिन, आज तोहरा के निराश ना करी है। चल अब मोहब्बत के जंग में इम्तिहान देवे खातिर तैयार हो जा। तैयार हो जा। अरे दीदी फिर जाई भैया। ठीक है मानू। दीदी हैप्पी बर्थडे दीदी। अरे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। अरे बेचे यही जावा। जी दीदी चश्मा बेचतर इकुल रख दे जा। जी दीदी ठीक बा। बहुत बहुत धन्यवाद सब केहू के, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाबो बोली धन्यवाद तो ठीक बा, बाकी कुल लड़की तारा से रिटर्न गिफ्ट चाहतनी। रिटर्न गिफ्ट ठीक बा, जे जे मांगे का मांग ल, आज हम केहू की निराश ना करब। सोच लो। पक्का पक्का। तो देखा गुलाबो, तब मीरा और श्याम दोनों एक दूसरा से बेपनाह मोहब्बत करें और ये सब लोग ही चाहता रहे कि उनके प्यार के पर्चा पे तू अपन मोहर लगाता। हाँ दीदी, हमने के भी चाहत है कि ये दोनों जने के मिलन हो जाए। का मीरा हमें कहाँ सुनता नहीं? अरे पहले काहे ना बताओ लो। हाँ दीदी का करे, तोरा से कुछ कहे के हिम्मत ही ना जुटा पाऊनी है। आवी दो श्याम के, आ श्याम के एकर पल्लू से बांधता नहीं। ओ मीरा किसन से ना मिल पाओली, बाकी ई मीरा आपन श्याम से जरूर मिली। ये हमार बाजा बा। शर्मा गई ली। कमाल हो गई।
सजन तो हर पड़ते नजरिया सरा के जाला सर से चुनरिया सजन तो हर पड़ते नजरिया बुद्ध बुद्ध होला बड़ी मनवा में हमारा बुद्ध बुद्ध होला बड़ी मनवा में हमारा कुछ कुछ दिल के भितरिया जनता से ज्यादा नीमन हम नहीं जाना था नहीं कि 5 साल के कार्यकाल क्षेत्र में एको काम ऐसा ना भइल जेकरा के मुद्दा बना के हमनी इलेक्शन लड़ी। अरे जोशी जी, हमार सीट कंफर्म निकली। सवाल आपके सीट के या दूसरे के सीट के नहीं खे, सवाल पूरी पार्टी के सीट के बा। हमरा तो बुझाता कि हमनी विपक्ष में भी बैठे लायक ना रह पाए। अरे चुनाव 2 महीना रह गए बा, समझ में नहीं खे आवत कि हमनी अपन जमानत बचा पाइब कि ना। जोशी जी, हम राजनीति के मैदान में बैठ के आज तक घास नहीं कटले। हमने मुद्दा बनाई,
ऐसा मुद्दा जौना से जनता पिछला 4 साल 10 महीना भुला के सिर्फ आवे वाला 2 महीना याद रखी। मुद्दा कैसन मुद्दा? इस चुनाव के पोलराइज करे के पड़ी, काहे कि अब जातिवाद और विकास के नाम पे हमनी चुनाव नहीं की जीत सकत। हमनी इलेक्शन के हिंदू बनाम मुसलमान बना के खड़ा करब, काहे कि हिंदुस्तान में यह एगो मुद्दा बा जौना फीमो से तेज असर करेगा। का प्लान बा? हम प्लान बतावे में ना जोशी जी, करके दिखावे में भरोसा करेनी। आप आराम से जाई और आवे वाला सिचुएशन के कैश करे के तैयारी करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सिन्हा जी सर, हमार सैटेलाइट फोन लेके आओ। क्या होता नहीं? राम राम जनाब। का बात है जी, आजकल हमारे सरकारी मेहमान पैदा करना बंद कर दिए हैं का? जो बहुत दिनों से एको को भेजे नहीं। कहे तो कल का कल भिजवा दे। आप केवल जगह बताएं जनाब। वाह जी वाह, मने हार दे हरवा दे और पिछवाड़ा खोदे खातिर पैनो दे। अरे आपका आदमी आया था ना, करके गया था ना रेकी। आप जहाँ मर्जी वहाँ आतिशबाजी करा दीजिए, लेकिन हाँ आतिशबाजी थोड़ा जोरदार होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? समझ रहा हूँ। कल का कल आपका काम हो जाएगा जनाब। अल्लाह हाफिज़। जी राम राम। आप देखा तानी कि हमने के चुनाव जीते से के रोका था। दीदी हम तो से कहली ना कि हमें ब्याह ना करे मतलब ना करे। पर काहे? का मीरा तोरा के पसंद नहीं की? ऐसा बात नहीं खे दीदी, मीरा बहुत ही अच्छी लड़की बा। ये बात तोरा के माज ना तो कालो बतेबो करती। एकरा बात भी दीदी हमें ब्याह ना करे। अरे जब सब कुछ तोहार मन मुताबिक बा तो ई इनकार काहे? दीदी यही से कि हमनी से बड़ तू बड़, अही से पहले तोहर ब्याह होई ओकरा बाद हमार। ए बाबू एने सुनो, बड़ा ब्याह भी आप करत तर अभी आहे खातिर एगो सुंदर सुघोर लड़का चाहिए। देखले बड़ा ओकरे खातिर कोनो लड़का? हाँ देखले बनी, खाली देखले नहीं की अच्छा उनका बारे में सब पता करके आयल बनी। अरे भैया के हो? सुशील जी हूँ। वेरी गुड। टेंशन जी सुशील जी के आंख में अपना बहन खातिर भरपूर प्यार देख ली। और हमके मालूम बा हमरा बहन के भी उनका नाम से कोनो ऐतराज ना हो। अच्छा ठीक बा, ठीक बा भाई, तू जैसन कहबा हम वैसन करब। हमारा जिंदगी का फैसला लेवे के तोहर पूरा हक है। अगर तू चाहत आरा कि हम अपना मांग में सुशील जी के नाम के सेनूर लगा ली तो ठीक बा हम लगा ले, लेकिन ओकरा से पहले बस एक बार हम अपन भौजाई के डोली से उतार ले। ओकरा बाद तू जेकरा से कहबा ना हम ब्याह कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। पक्का? पक्का। ठीक बा, अब हम ब्याह के लिए तैयार बानी। अरे वाह, ए चकरी लोग तैयार हो जा। बिहान चल के बाजार से सामान वमान लेके धोती कपड़ा एकर सूट। ठीक बा, शॉपिंग करब शॉपिंग। चला। मीरा खाती तो दोनों के जोड़ा बहुत अच्छा मिलल। और घुमल फिरल भी हो गई। तू लोग एजा खड़ा रह, हम एटीएम से पैसा निकाल के आवा था। हाँ। तू लोग एजा ही रह। हाँ? ठीक बा? ठीक बा दीदी। हाँ। दीदी लेट मत करिए, जल्दी आई है। हाँ। क्या हो हमारे जान, का मन बा? हाँ। बड़ा सुंदर लगा तारी। चला। हाँ।
मीरा बोला बोला तू हम किशोर की ना जा सकी लो मीरा श्याम माफ करो अर्चना रुबीना श्याम माफ करो श्याम हमरा से बात करो श्याम माफ करो श्याम हमरा के छोड़ के मत जा मीरा जैसा कि आप देख सकते हैं एक एक करके शहर में 5 धमाके हुए हैं। अनुमान है कि 50 लोगों की जान गई है और करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो अब हम आपको दिखाते हैं ब्लास्ट की सीधी तस्वीरें। हम अपने कैमरामैन से आग्रह करते हैं कि वो सामने का नजारा दिखाए जिससे अनुमान हो जाए कि कितना नुकसान हुआ है। सभी जख्मी लोगों के घर पे इन्फॉर्म करो, ठीक है? जाओ। मिर्जा साहब, कितनी कैजुअल्टी है? सर 12 जाने गई हैं और 40 से ज्यादा घायल हैं और लाखों का नुकसान हुआ है। सर सर इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं? हम इस घटना की पुरजोर निंदा करते हैं। हमें नहीं पता कि प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार इस मामले में क्या करेगी, लेकिन हम इस मामले का करारा जवाब देंगे। सर आपके हिसाब से इस घटना में किसका हाथ हो सकता है? अरे 100% हिंदुस्तान का। आज तक यही तो करते आए हैं और हमारी कुछ सेकुलर पार्टियां इनके तलवे चाटते रहे हैं। अब देखिए ना, सजा हम भुगत रहे हैं। अगर हम पार्टीशन के वक्त होते ना तो इनका बिया तक हिंदुस्तान में टिकने नहीं देते। हमको मरने वालों से पूरी हमदर्दी है और जीवितों से पूरी सहानुभूति। हम यहाँ के एमएलए होने के नाते 10 लाख मुआवजा देने का ऐलान करते हैं। ए मैडम रुकिए, फूल बेच दिए, चमन बेच दिए, जमीन और गगन बेच दिए, फिर भी बेशर्मी कहीं नहीं। अब ईमान और वतन बेच दिए, बेगुनाहन की लाश पर राजनीति करने वाला भड़वा साला, चुपचाप निकल जो, ना तो यही जा। चुप। तो हर क्रिया कर्म करते निकल। ए मैडम, मिर्जा साहब, दर्द में भी आ बेचारी, दर्द में। चल, मैं हूँ अपर्णा मेंडिस। एनआई की टीम घटना स्थल पर मुस्तैदी से मौजूद है। अगर गृह मंत्रालय की मानी जाए तो इस घटना के तार तेजी से पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद पुलिस का ये दावा है कि इस घटना को अंजाम देने वाले 4 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। ये काफिर जानते ही नहीं है कि जिहादी मारे नहीं गए, बल्कि खुदा के कौल पर इन्हें जन्नत नसीब हुआ है। जनाब, क्या किस्मत पाई है आपने। जिस मिशन में भी हाथ डालते हैं वो मिशन कामयाब हो जाता है। अब जैसे देखिए ना, पहले दिल्ली, फिर मुंबई, वाराणसी, गया और अब इलाहाबाद की सरजमी भी खून की सुर्खियों से सुर्ख हो गई। मकसूद मियां, इतनी कामयाबी काफी नहीं है खुश होने के लिए। अभी तो हमें हिंदुस्तान से बहुत से हिसाब चुकाने हैं। हिंदुस्तान ने हमसे बांग्लादेश को अलग किया है, हम हिंदुस्तान से उसका एक एक सुबह अलग कर देंगे। कश्मीर भी हमें चाहिए तो हैदराबाद भी हमें चाहिए। फिक्र ना करें तबरेज साहब, बस आप मंसूबे बनाते जाइए, बस एक कामयाब हम करेंगे। इंशाल्लाह।
मंसूबे तो बनते रहेंगे मियां, पहले हिंदुस्तान के इस छोटी सी बर्बादी के नाम पर एक जश्न मनाते हैं। धीरे रखा। एक्सक्यूज मी मैडम, ये लीजिए, ये मरने वालों के कागजात हैं, आगे आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। दरोगा जी, आखिर कब तक हमलियों पर ऐसी वार होत रही? जब तक इस देश के नेता इस देश को सिर्फ पैसा कमाने की चीज समझते रहेंगे तब तक। हम बेगुनाहन के खून, सरहद पे जवानन के खून, आखिर हमने का कर हल बानी? हाँ, करने को तो हमने बहुत कुछ किया है, हमेशा दुश्मन के सीने पर गोली मारी है, लेकिन इस देश के नेता हमको आगे बढ़ाने के बजाय हमेशा हमारे पैरों में बेड़िया डाल देते हैं। और जब तक ऐसे नेता इस देश में पैदा होंगे तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। गुलाबो मौसी, हाई देखा तो, हाई देखा, हाई देखा, ये है वो जो हमनी के दुनिया उजाड़ दिलस। तबरेज आलम की इस आतंकी घटना की निंदा दुनिया के तमाम देशों ने की है। सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर सार्थक कदम उठाने की मांग की है। वहीं भारत सरकार ने भारत पाकिस्तान सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर दी है। इस घटना का सीधा असर दोनों देशों के बीच खेले जाने वाले खेलों पर भी पड़ा है। प्रोटोकॉल के नाम पे ओकरा बाद दोनों देश के नेता जनता मरता तो मरेगा, कौनो फर्क ना पड़ी मौसी। लेकिन अब ऐसा ना हुई मौसी, जब हमने भी खून के बदला खून से लिहल शुरू कर दे तो दहशत गर्दन के दिल में दहशत पैदा हो जाए। ए बिटिया, जब हमने के देश के सेना और देश के नेता लोगों को कुछ ना कह पाए तो हमने का कर पाई जा? हमने के ई हालत यही खातिर बा कि हम सब कुछ कहे और के ऊपर छोड़ के बैठ जाए ले। लेकिन अब ना, हम ही सोच ले बानी कि हम अपन भाई के मौत के बदला लेवे खातिर इस्लामाबाद जाए। वो तो ठीक बा, लेकिन गुलाबू बेटा हमनी वहां जाए कैसे? मौसी, हमनी ना, सिर्फ हम। वाह गुलाबू वाह, आज तक हमनी के बीच में हम ना आईला, ये मुट्ठी भर शैतान हमनी के बाटे में कामयाब हो जी है सर। ना तारा का लगता कि हमार दारू कमजोरी बाना, तो आज से हम ये दारू के छोड़ देनी, लेकिन तारा के ना छोड़ो। बिल्कुल। हाँ गुलाबू, हमनी सब एक ही थैला के चट्टा बट्टा बानी, हम सब आज तक ले एक साथ सुख के बाटले बानी, मत कर अपने से दूर, अपना दुख के भी साथी बना हमनी सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुलाबू, पर तोनी हमके गलत मत समझा ना गुलाबो, हम अपना वजह से तोनी लोगन के जान खतरा में नहीं खी डाल सकते। गुलाबो ना गुलाबो, हमने तो ताकत बानी, कमजोरी ना है, छोट पर उंगली पत के ना मुक्का बनेला, और तरीका से केहू पे पड़ जाई तो उठी ना उठ जाई। हाँ गुलाबो, हमने तेरा साथ चलम चलम सर, हमने कुछ नहीं की समझा। बिल्कुल गुलाबो, समझे की कोशिश कर, हमने चलत तोरे साथ। अच्छा ठीक बा, हमने की आज दिल्ली निकले के पड़ी। हाँ ठीक बा, अब हम दुनिया के बताई कि जहिया जाग गई हिंदुस्तानी तब पाकिस्तान हो जाए तबाह, आतंक के उपने के माटी में मिलावे हमारा हलबानी इस्लामाबाद। हाँ बस बस, यह रोका भैया। हाँ हाँ, कितना भाड़ा भाई? हाँ पहला। ए रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? पाकिस्तान जाना है, वीजा चाहिए। तुम्हें पता है ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में क्या हालात चल रहे हैं? यही तो पूछने जा रही हूँ, किसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, क्या हो तुम? चलो निकलो यहाँ से। अरे अरे साहब, चलो चलो बात सुनी तो साहब थोड़े होता है। अरे बात तो पूरी सुन ली। चलो चलो चलो, अरे चलो सुनिए। अरे अरे हटो 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 साहब, आगे। जय हिंद साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते, क्या हो रहा है यहाँ? जी पाकिस्तान जाना है।
मोहतरमा, आपको मालूम है ना कि भारत और पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। मोहतरमा, आप पाकिस्तान क्यों जाना चाहती हैं? वहां के मजारों पर मत्था टेकने या धंधा करने? तबरेज आलमगीर की लाश पे मिट्टी डालने। मोहतरमा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कोई सियार की मांद है जो आप शेरनी बनकर जाएंगी और वहां से जिंदा वापस चली आएंगी? कमबख्त, जिंदा रहना ही कौन चाहता है। हम तो जा ही रहे हैं वहां पे सर पे कफन बांध के। आप सिर्फ ये बताइए कि आप हमें वीजा देंगे या नहीं। नहीं। आपको क्या लगता है कि हमारे भाई का बदला कागज पे लगने वाले आपके वतन के ठप्पे का मोहताज है? हम वहां जरूर जाएंगे उन्हें ये बताने कि जिसकी खैरात में उनके वतन की नींव रखी गई है वो उन्हीं हिंदुस्तानियों का लहू बहा रहे हैं। हमने उन्हें जमीन दी है तो छीनने की औकात भी रखते हैं। हद में रहिए मोहतरमा। ए, निकालो इन लोगों को, धक्का देके। चलो, अरे अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, अरे सुनो, साहब, साहब, चलो, अरे। अरे भैया, ये का पागलपन है गुलाबो? अरे, जैसे हम तुम्हारी पागलपन के बारे में सुननी है, फ्लाइट पकड़ के सीधे यहाँ आ गए। चलो, वापस चलो, इलाहाबाद चलो। ना, हम अपना भाई से वादा के लिए रहनी कि ओगरा खातिर अपन मौत से भी टकरा जाए और आज वो समय आ गए वादा पूरा करे के। अगर वो हमारी मदद करे के चाहता नहीं तो बस इतना कर दी कि कसा हूं हम के ओहिजा पहुंचा दी। ठीक बा, तो आज है हम कौन जुगाड़ करता नहीं। देखा, अब ये लास्ट बटालियन बा। ठीक तीन मिनट के बाद दूसर बटालियन आई। तहनी के ओहिजा से तीन मिनट के अंदर तहनी लोग के बॉर्डर क्रॉस करे के बा। ठीक बा, चलो फटाफट, चल 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 चल। हाँ जल्दी। अब्दुल वसी नाम है मेरा। सुशील भाईजान ने आप लोगों के बारे में बताया। आप हिंदुस्तान से आई हो? कौन है, कौन है? ये लोग वहां लेके जाओ। कौन है वहां पे? छुपा दो। आइए। इकराम अख्तर साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। और बशीर साहब, इतनी रात गए बॉर्डर पे? सालों साल इस सरहद पे रहा हूँ, इस मिट्टी से मुझे प्यार हो गया है। यहाँ की मिट्टी की खुशबू से दिल को सुकून मिलता है। बस घंटों भर यहाँ आकर बैठता हूँ, तारों से, जमीन से बातें करता रहता हूँ। हमें लगता है या तो आप शायर हो गए या दीवाने। और सब ठीक चल रहा है ना? मैं तो यहाँ काफी टाइम से यहाँ पर हूँ, घुसपैठी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जनाब, जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, ऐसे हालात में कुछ भी हो सकता है। खैर, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। चलो चलते हैं। खुदा हाफिज़। खतरा टल गया, आप लोग बाहर आ जाओ।
लोग तो पूरी बारात के साथ आई हो, इन लोगों के साथ इस्लामाबाद पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। चांद, तुम इन दोनों को कराची के रास्ते से इस्लामाबाद लेके जाओ। जी। और मैं लाहौर के रास्ते से इस्लामाबाद लेकर आता हूँ, आप लोग जाइए इनके साथ। मौसी। हाँ बेटी। तू लोग जाओ। अच्छा, वही जा, भेट ख्याल रखे। तो अपन अपन ख्याल रखे बेटिया। चलो चलिए मेरे साथ, हम कराची के रास्ते चलते हैं। जी जी चलिए। आवा गुलाब आ जाइए। सागर से गहरा है इश्क, पर्वत से भी है ऊंचा। सागर से गहरा है इश्क, पर्वत से भी है ऊंचा। रब्बा कैसा बनाया तूने, खेल ये अजूबा। रब्बा कैसा बनाया तूने, खेल ये अजूबा। इश्क का रंग चढ़ा जिस पर, फिर रंग चढ़े ना दूजा। इश्क का रंग चढ़ा जिस पर, फिर रंग चढ़े ना दूजा। रब्बा कैसा बनाया तूने, खेल ये अजूबा। रब्बा कैसा बनाया तूने, खेल ये अजूबा। रब्बा कैसा बनाया तूने। अखियां बिच बस यार दी सूरत, दिल की धड़कन में दिलदारा। सर चढ़ बोले इश्क का जादू, झूमे नाचे मन बन जारा। ओ अखियां बिच बस यार दी सूरत, दिल की धड़कन में दिलदारा। सर चढ़ बोले इश्क का जादू, झूमे नाचे मन बन जारा। सांसों की माला में सुमिरे शाम सुबह महबूबा। हाय सांसों की माला में सुमिरे शाम सुबह महबूबा। रब्बा कैसा बनाया तूने, खेल ये अजूबा। रब्बा कैसा बनाया तूने, खेल ये अजूबा। रब्बा कैसा बनाया तूने। चाहत बढ़ती जाए, चाहत में दिल डूबा। हाय इश्क की चाहत बढ़ती जाए, चाहत में दिल डूबा। रब्बा कैसा बनाया तूने,
खेल ये अजूबा रब्बा कैसा बनाया तूने, खेल ये अजूबा रब्बा कैसा बनाया तूने। वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे भाईजान, बड़े दिनों बाद, सब खैरियत तो है? अल्लाह का शुक्र है। ये मोहतरमा कौन है? ये मेरी खाला की लड़की है, अक्सर ये बीमार रहती है, इसके इलाज के लिए मैं इसको अपने साथ इस्लामाबाद लेके जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी सुबह इस्लामाबाद ही निकल रहे हैं, हमारे साथ ही चल चले। अरे नहीं नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं, आप लोग परेशान। भाई जान, कैसी बात कर रहे हैं आप, अपनों के काम आके तकलीफ नहीं, दिल को सुकून मिलता है। अच्छा हम एक काम करवाते हैं, आप लोग के लिए कपड़े भिजवाते हैं, कपड़े बदल कर खाना खाइए और आराम फरमाइए, सुबह हम साथ ही निकलेंगे। गए क्या? आप सो जाइए, अभी टाइम है। अब्दुल भाई। हाँ। पुलिस। चेहरा ढक लो आप। चलिए चेक कीजिए, आगे चलिए, आगे चलिए। क्यों, कहाँ से आ रही हो? जनाब हम बन जा रहे हैं, बॉर्डर के पास हमारा डेरा लगा था, वहीं से वापस लौट रहे हैं। बॉर्डर से कुछ लेके तो नहीं आए? क्या बात कर रहे हैं जनाब, आप चाहे तो तलाशी ले सकते हैं। हाँ वो तो हम लेंगे ही। क्या नाम है? जी याकूब। तुम्हारा? अब्दुल वसी। आप मोहतरमा? हुमायरा। जनाब कुछ नहीं है अंदर। ठीक है। जनाब एक बात पूछो, आज इतनी अधिक तलाशी क्यों? आज तबरेज आलम साहब का जलसा है इसलिए। चलिए निकलिए आप लोग। चलो। बात बात में घात हो जाए, बात बात में घात हो जाए, जो न डरे वो भी डर जाए, खून खराबा हमें पसंद है, बेगुनाहों का खून बहाए। हम है अवसरवादी, बस चाहे बर्बादी, हम है अवसरवादी, बस चाहे बर्बादी, देश विदेश के क्या विसाद है, सब है हमरे बात, ये है इस्लामाबाद, ये है इस्लामाबाद, ये है इस्लामाबाद, ये है इस्लामाबाद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमेशा से हमें जलील करता आ रहा है वो हिंदुस्तान, हमारे कौम के लोग वहां पे जलालत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुद तो सीज फायर का खिलाफत करता है, उल्टा हमें बदनाम करता है और दुनिया के तमाम मुल्कों में अपने आप को पाक साफ रखने की कोशिश करता है। हम बता देना चाहते हैं कि संभल जाओ ए हिंदुस्तान, वरना हम बर्बाद कर देंगे। आदाब। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या जहर उगल रहे हैं आप? इलाहाबाद ब्लास्ट में शामिल उन आतंकियों के खिलाफ हिंदुस्तान ने दस्तावेज इकट्ठा कर लिए, उनके पास मुकम्मल सबूत है कि वो आतंकी हमारे मुल्क से थे। अगले महीने हिंदुस्तानी वजीर आजम अमेरिका जाने वाले हैं, वो हमारे खिलाफ डोजियर देने वाले हैं। वो खिलाफ कर भी कह सकते हैं, आज तक तो हमारे खिलाफ हजारों सबूत इकट्ठा किए, लेकिन हुआ क्या?
कुछ नहीं। फिर भी हुकूमत चाहती है कि आप कुछ दिनों तक खामोश रहिए। अगले महीने हमारे वजीर आजम भी दुनिया के बाकी मुल्कों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो भी बाकी मुल्कों की तरह आतंकवाद के खिलाफ है। मतलब अब आपके वजीर आजम बताएंगे कि हमें क्या करना है। आप जाइए और अपने वजीर आजम तक हमारा पैगाम पहुंचा दीजिए कि समझ जाए वो, वरना तख्ता पलट करने में हमें वक्त नहीं लगेगा। आप जा सकते हैं। खुदा हाफिज। शहरयार साहब हमें ये इत्तला करने आए थे कि हिंदुस्तान फिर कोई नई साजिश रच रहा है हमें बदनाम करने के लिए। खुली चेतावनी देते हैं उस हिंदुस्तान को कि दुनिया के जिन मुल्कों में जाना है जाएं, देखें कि कौन सा मुल्क हमारा क्या हिसाब लेता है। आप लोग हमारे साथ हैं? हाँ, हम साथ हैं। तो बोलिए नाराए तकबीर। नाराय तकबीर। नाराय तकबीर। अल्लाह हाफिज। पांडे को दिक्कत तो ना भइल ना? चांद भाई सही सलामत पहुंचा दिले। बस करीब में। आइए। तशरीफ रखिए। यह है हमारा गरीब खाना। सामने गुसलखाना है जिसे आपकी जबान में बाथरूम कहते हैं। किचन भी है, खाना भी बना सकते हो, लेकिन अभी नहीं। मैं आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। नहीं, 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 ठीक है भैया। ठीक है। बहुत धन्यवाद भैया, आप जो हमारे लिए कर रहे हैं ये कोई फरिश्ता भी नहीं करता। लेकिन फिर भी कुछ सवाल मेरे दिल को परेशान कर रहे हैं। सवाल? कैसा सवाल? हम हिंदुस्तानी हैं और आप पाकिस्तानी, फिर भी आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? जब कारगिल की वार में एक चौक पर जब दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने थी, मुझे पानी पिला दीजिए। मेरा हलक सूखता जा रहा है। खुदा के वास्ते पानी पिला दीजिए मुझे। पानी दो। सर ये क्या कर रहे हैं? इसे पानी पिला रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं। सर मैंने कहा पानी दो। सर समझिए, इसे पानी नहीं गोली मार दीजिए। पानी दो मैंने कहा। इट्स माय ऑर्डर। पानी दो। पानी। अल्लाह आपकी उम्र बख्शे। चलो क्यों बार बार हमें छेड़ते हो? हर बार पीठ पे वार करते हो और सीने पे खाकर भागते हो। मत लो इतना इंतहा कि सब्र का बांध टूट जाए, शांति की जो उम्मीद बची है वो भी छूट जाए। अब की जंग छिड़ी तो नामो निशान मिटा देंगे। दिल्ली छोड़ राजधानी अपनी इस्लामाबाद बना देंगे। पाकिस्तान नाम का न मुल्क होगा न मलकियत। लाहौर कराची रावलपिंडी हर जगह अपना तिरंगा लहरा देंगे। भाईजान
ना पाकिस्तानी की सेना, ना पाकिस्तान की आवाम दोनों वार करना नहीं चाहते। चंद मुट्ठी भर अफसरान और हुकूमत हमें वार करने पर मजबूर करती है खुदा के वास्ते। हमें बचा लीजिए, हम मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते। आप खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता। हमने हिंदू के हाथ से पानी पिया तो हमें फौज से निकाल दिया। वहां सुशील भाईजान ने एक दुश्मन की जान बचाई तो उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। हम जंग नहीं चाहते, शांति चाहते। जंग तो हम पर जबरदस्त थोपी जाती है। हम राम और रहीम और अली और बजरंग बली में कोई फर्क नहीं समझते। हमें तो जबरदस्ती फर्क समझाया जाता है और ये काम करते हैं मुट्ठी भर दहशतगर्द। गुनाह वो करते हैं और भुगतना दोनों मुल्कों की आवाम को पड़ता है। एक तो सुशील भाईजान का वो एहसान, ऊपर से आप लोग की जंग दहशतगर्द से ना ही पाकिस्तान से। आतंकवाद को हम भी खत्म करना चाहते हैं। शायद हमारे भीतर वो साहस नहीं जो आप लोगों में। बस आप लोग की फतेह हो यही दुआ करता हूं। और रहा सवाल तुम्हारे भाई के इंतकाल का, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, इलाहाबाद ब्लास्ट में तुम्हारे भी हिंदुस्तान का कोई ना कोई पावरफुल इंसान जरूर शामिल होगा। जिस तरह यहां तबरेज अपनी रोटियां सेक रहा है, वहां भी वो अपनी रोटियां सेक रहा होगा। रहुआ ऐसा चाल चल लीन की विरोधी के गोटी सेट हो गई। इलेक्शन अब बैकवर्ड फॉरवर्ड के मुद्दा से ऊपर उठ चुकल बा। जी, जी, ये लीजिए, मैं आप लोग के लिए खाना ले आया, खा लीजिए खाना। गुलाबो, एक खबर मिली। क्या? हिंदुस्तान के दिल पे लगे जख्मों का हिसाब सिर्फ तबरेज को मार के वसूला नहीं जा सकता। तो? क्योंकि इस ब्लास्ट का गुनहगार अकेला तबरेज नहीं है, इस ब्लास्ट के तीन गुनहगार हैं और तीनों के तीनों यहाँ आजाद घूम रहे हैं। पहला है तबरेज आलमगीर, इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। दूसरा मियां मसूद, जो मासूम लड़कों को ट्रेनिंग देता है। वही लड़के जिन्होंने इलाहाबाद ब्लास्ट को अंजाम दिया। तीसरा है महमूद मिस्त्री। भारत में जो कुछ भी होता है उसके लिए फंडिंग का इंतजाम करता है। अब्दुल भाई, ये तीनों कहाँ मिलेंगे? तबरेज, जो दुनिया के तीन देशों से वांटेड है, इसलिए उसको ISI और यहाँ की हुकूमत फाउंडेशन देती है। मियां मसूद अलग अलग जगह पर कैंप लगाकर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, इसलिए उसकी पीठ पर भी दुनिया के जिहादियों का हाथ है। महमूद मिस्त्री, जो रंगीन जिंदगी गुजारता है। मुझे खबर मिली है कि आज महमूद मिस्त्री एक जलसे में शामिल होने के लिए यहाँ राहुलपिंडी आ रहा है। उस जलसे में शामिल होने के लिए मैं आप लोगों का इंतजाम करता हूँ। महमूद मिस्त्री, वल्ले खुश हबीबी अल मरजीना। मैं हुस्न परी,
मेरे सारे सिक्योरिटी को मैंने मार दिया है महमूद। मार दिया? तो है कौन? हिंदुस्तान की बेटी जो तेरे सारे गुनाहों की सजा देने यहाँ आई है। पागल मत बन लड़की, तू यहाँ तो गई है पर यहाँ से जाएगी कैसे? मैं तेरी मौत हूँ महमूद, और मौत का रास्ता तो इंसान क्या, भगवान भी नहीं रोक सकता। अगर एक आवाज लगाऊंगा तो पूरा इस्लामाबाद इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा तो लगा ना, आवाज लगा लगा। हटो यहां से। बचाओ।
जनाब जब तक रिपोर्ट ना आ जाए तब तक पुख्ता तौर पे कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि ये कत्ल का केस है या फिर एक्सीडेंट का। अफसर जी जनाब, महमूद मिस्त्री एक जहीन इंसान था और इसका एक्सीडेंट ये बात कुछ हजम नहीं होती। यकीनन ये कत्ल का मामला, हमें जल्द से जल्द इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाना होगा। ठीक है, महमूद मिस्त्री के कत्ल के बाद ऐसे भी अलगाववादी नेता और हुकूमत हमारे डिपार्टमेंट पे नारेबाजी कर सकती है। जी जनाब, हमें जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाना होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई? नहीं जनाब। फौरन मंगवाओ। जी जनाब। और हाँ, जलते में सीसीटीवी कैमरे लगे थे? हाँ। मुझे इस जलसे की एक एक जानकारी चाहिए, कौन कौन आया था और किस मकसद से आया था। पॉज, रिवाइंड, पॉज, थोड़ा जूम करो। कौन है ये? जनाब ये तो फौज से निकाला हुआ फौजी अब्दुल बशीर है। क्या रहता है? रावलपिंडी में इसका एक छोटा सा मकान भी है जनाब। अब्दुल बशीर, हमें फौरन अब्दुल बशीर तक पहुंचना होगा। जी जनाब। मूव। अब्दुल कहाँ है? अब्दुल गए हैं बाहर, कुछ काम था। और आप लोग? जी हम उनके रिश्तेदार हैं, ये हमारी अम्मी जान हैं और ये दोनों हमारे चाचा जान हैं। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? वो अब्दुल आ गया। अरे जनाब, आप हमारे गरीब खाने पर आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। तो आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग लाहौर इमामबाड़ा से आए, ये देखिए ना, ये इनके दस्तावेज हैं। हमारी खाला बहुत दिनों से बीमार है, लाहौर के डॉक्टरों को इनका मर्जी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम इन्हें साथ में यहाँ लेकर आ गए इलाज के लिए। अगर ये बीमार हैं तो आपको इनकी तीमारदारी करनी चाहिए। कल रात जलसे में इनको लेकर क्या करने गए थे? वहां से तो हमें इनविटेशन कार्ड मिला था आने के लिए। दिखाइए। जी ये लीजिए, ये हमारी खाला की बेटी है, सच्ची पाकिस्तानी है। जी अस्सलाम वालेकुम। इलाहाबाद के बलास से महमूद मिस्त्री, मियां मसूद और तबरेज को अपना हीरो मानने लगी थी। जब इसे पता चला कि जलसे में महमूद मियां साहब भी आ रहे, बस उनके दीदार के लिए जिद करने लगी, इसलिए मैं अपने साथ में लेकर चला गया। कल रात उस जलसे में महमूद मिस्त्री का कत्ल हुआ है। क्या इस बाबत आप लोग कुछ बता सकते हैं? जी नहीं जनाब, हमने भी ये खबर थोड़ी देर पहले ही सुनी है और जब से उनकी मौत की खबर मिली है हम सब सदमे में हैं। जब तक इस केस की गुत्थी नहीं सुलझ जाती तब तक आप लोगों की जरूरत पड़ती रहेगी। मामला हाई प्रोफाइल है, हम इतनी जल्दी किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। जनाब आप बेफिक्र रहिए, ये मुल्क हमारा भी है, हम चाहते हैं इस मुल्क में जालिम ना रहे। हम आधी रात को तफ्तीश के लिए आ सकते हैं। बेहतर है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा हुआ आप आ गए भाईजान, नहीं तो हम लोगों को डर के मारे खून ही सूख गया था। हाँ भाईजान। अरे बेटा अब्दुल, ये बताओ बेटा, ये सारे दस्तावेज तुमने तैयार कैसे कर लिए? जिस तरह आपके मुल्क में पैसा बोलता है उसी तरह हमारे मुल्क में भी पैसे की बोली ऊपर तक सुनाई देती है। बहरहाल ये शहरयार बहुत शातिर दिमाग का है। जी। अब हमें जो भी कदम उठाना होगा बड़ी सावधानी से उठाना होगा। मियां मसूद, उसकी खबर लेनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मकसूद मियां, ये मैं क्या सुन रहा हूं, हमारा मकसूद और इतना कमजोर?
तशरीफ रखें आप। हाँ बताएं। आप इस घटना को इतने हल्के में मत लीजिए तबरेज साहब। मिस्त्री साहब का यकीनन कत्ल हुआ है और मैं ये दावे से कह सकता हूँ। चलिए माना कि उनका कत्ल ही हुआ है, तो इसमें इतना लहू सर्द करने की क्या जरूरत है? आपको जरूरत से ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि हिंदुस्तान से कोई आया होगा और उनका कत्ल किया होगा? मुझे तो लगता है कि उनका कत्ल हुआ ही नहीं है। वो शराब के नशे में थोड़े बहक गए होंगे और खुद ब खुद छत से नीचे गिर गए होंगे। आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है तबरे साहब? समझने की कोशिश कीजिए। मकसूद मियां, अब तो आप बुजदिली की हद पार किए जा रहे हैं। भाई काम करें, इनका बुजदिली भगाने का कुछ इंतजाम करें। जी जनाब, कर देता हूं। जनाब सीधा दो घूंट मार जाए। अब कुछ कलेजा हल्का हुआ, डर भागा। डर वर की कोई बात नहीं है तबरे साहब, लेकिन अब भी मैं यही कह सकता हूं कि मिस्त्री साहब का कत्ल हुआ है और कातिल बहुत शातिर है, बहुत शातिर। हमें लगता है कि डर आपके दिलो दिमाग पर हावी हो चुका है मकसूद साहब। एक काम करें, आज रात आप यहीं पे सो जाएं। ऐसी बात नहीं है तबरे साहब, इतना भी डरा हुआ नहीं हूं कि घर न जा सकूं। चलता हूं, अल्लाह हाफिज। मियां मसूद निकल चुके इस्लामाबाद के लिए। रुकिए रुकिए रुकिए, खुदा के वास्ते रुकिए। जनाब जनाब, मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लीजिए, हमारा इस्लामाबाद जाना बहुत जरूरी है। इस्लामाबाद में कहाँ? जनाब आईएसआई ऑफिस। आईएसआई? जी। आईएसआई से क्या काम है आपको? जनाब मैं कच्ची सड़क से आ रही थी तो मैंने कुछ अजनबी लोगों को देखा। वो लोग हिंदुस्तान से आए हुए हैं और उन्हीं लोगों ने महमूद मिस्त्री का कत्ल किया है और वो लोग आपस में प्लान कर रहे हैं तबरेज आलम साहब का कत्ल करने का। इसलिए मेरा आईएसआई ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनकी जान नहीं बचेगी। जनाब कहाँ है वो लोग? इधर ही है जनाब। आइए फौरन ले चलिए। जी जी जनाब, आइए आइए, मैं बताती हूँ। आइए आइए जनाब, चलो आइए। ओ मोहतरमा जी, कहाँ है वो लोग? अरे जनाब आम के बगीचे में है वो लोग, आइए चुपचाप आइए। चलो अरे मोहतरमा, और कितना चलाएंगी? कहाँ है वो लोग? जनाब सामने है, आइए ना। आइए चलिए, वो देखिए सामने है, आइए ना आइए। हाँ हाँ जी जी जी, बस 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 चलिए चलिए चलिए, बस पहुँचने ही वाले हैं जी, बस मंजिल पर पहुँचने ही वाले हैं जनाब। हाँ वो सामने बस पहुँच गए आप जनाब। जी 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 जी, बस 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 बस, थोड़ा 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 टाइम और। हाँ हाँ हाँ, क्या कितनी दूर चले जनाब? मंजिल पे आ गए आप। तुम लोग कौन हो? अल्लाह के बंदे हैं जनाब, और आपके बंदे अल्लाह को प्यारे हो गए। गुलाब आज तू तो गया मकसूद। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन हो तुम लोग? हिंदुस्तान की बेटी जो तेरे गुनाहों की सजा देने आज यहाँ तेरे धरती पर आई है। बोल क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था हमारे भाई लोगों ने, क्या बिगाड़ा था उन हिंदुस्तानियों ने जिन्हें तुम लोगों ने धमाका कर हमेशा के लिए सुला दिया। ओ,
तो तू मुझसे अपना हिसाब मांगने आई है। जब तेरे हिंदुस्तान की सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो तू क्या बिगाड़ेगी? हाँ? क्या बिगाड़ेगी तू? मकसूद, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना। हम कृष्ण के देश से हैं, हम शांति की बांसुरी बजाना भी जानते हैं और चेतावनी का शंख भी। और आज तो हम तुझे ऐसा बजाएंगे कि तेरी चीख सुन के इस पूरी दुनिया में कोई भी दहशतगर्द पैदा नहीं होगा। जिहाद को दहशतगर्द का नाम देती है? हम पाकिस्तानियों के जिस्म में जब तक खून का एक एक कतरा बाकी रहेगा, हम हिंदुस्तान के सरजमीन पर जिहाद करते रहेंगे और करते रहेंगे। आतंक को जिहाद का नाम देकर मासूमों को गुमराह करने वाले तेरे जैसे शैतान मत भूल। जिस दिन पाकिस्तान के मासूम इस्लाम को समझ गए, उस दिन इस पाक जमीन पर तुम लोगों के लिए कब्र भी नसीब नहीं होगी। तू सुलाएगी मुझे कब्र में? तू सुलाएगी मुझे कब्र में? सुला। गुलाबो ना पांडे, पांडे, गुलाबो, पांडे, गुलाबो, पांडे, गुलाबो। पांडे, तू ताकतवर बना पे आल रे, कमजोर ना पांडे। गुलाबो, गुलाबो, अगर तू कमजोर पर गए लेना, कमजोर पर गए लेना, ताम के वहाँ भी शांति ना मिली। गुलाबो, ना गुलाबो, ना तुझो, ना पांडे, तू अपना मिशन पूरा करेगा। पूरा हिंदुस्तान के जवाब पाकिस्तान के देवे के बाप, ये आतंकवादी के देवे के बाप, वादक वादक कर गुलाब, अगर तू मिशन पूरा न कर ले तो हम के वही चाबी शांति नाम भी निकला। पांडे, 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 पांडे। देखो जनाब, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतने लोगों का कत्ल कोई एक इंसान नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। आओ जनाब, इसने उन लोगों को देखा है। कौन है? सर, इस बगीचे का मालिक का बेटा। क्या देखा जनाब? एक औरत बुरखे में आई और इन लोगों को बगीचे में लेके गई, उसके बाद क्या हुआ जनाब मैंने नहीं देखा। जनाब हुलिया बता सकते हो उसका? जी जनाब बता सकता हूँ। साहिल। जी जनाब। इसे ले जाओ और स्केच आर्टिस्ट से हुलिया बनवाओ। जी जनाब। आओ हुलिया बताओ। जनाब ये स्केच। ये तो अब्दुल के काला है। साहिल। जी जनाब। पूरे पाकिस्तान में इस फोटो को वायरल कर दो, वो हमारे गिरफ्त से निकलने नहीं चाहिए। जी जनाब। मूव। लाबो, तुम लोग का फोटो हर जगह वायरल हो गया, देखो अब जगह खतरे से खाली नहीं। सामने हजरत का मजार है, हम वहां जाते, बाकी सफर बाद में करेंगे। चलो।
आईएसआई दफ्तर? जी जनाब, जिन लोगों की तलाश आप कर रहे हैं वो अभी पीर मोहम्मद गली में दिखाई दिए। जी जनाब। तेरी चौखट पे सर जिसने भी झुकाया मौला, न कुछ भी मांगता फिर भी वो सब पाया मौला। रास्ता हमारा छोड़िए, वो अंदर गद्दार है। या तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। चलो 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 यहां सोची। Oh! See!
हमारा जिंदगी से ज्यादा जरूरी बात तो हर में तेरा खेल खत्म खत्म। तू क्या मारेगा मुझे? ऐसा यार तुझे मारने वाली तो निकल चुकी है, मुझे क्या मारेगा तू? अच्छा तो तुम हिजड़े हो? अच्छा है तो हिंदुस्तान ने हिजड़े को भेजा है हमसे बदला लेने। ऐसा यार हिंदुस्तानी हिजड़ों की ताकत को इतना कम करके मत आ। देख देख तेरे सामने एक हिजड़ा ही तो खड़ा है जिसने पूरे पाकिस्तान की चूड़े हिला दी, दो को कब्र तक पहुंचा दिया और तीसरे को कब्र भी नसीब नहीं होगी। बड़ी ढीठ है रे तू, तुझे शायद मालूम नहीं कि हमारी ताकत से हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया डरती है। किस मुगलते को पाल बैठा रे सारे यार, पूरी दुनिया का तो नहीं जानती, रही बात हिंदुस्तान की तो सुन, कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं करते, और तुम जैसे पाकिस्तानियों से हिंदुस्तानी तो क्या वहां के हिजड़े भी नहीं डरते। हम कितने बदनसीब हैं, हम उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है गुलाबो, इंतकाम लेने का है, और उसके लिए जरूरी है अपने आप को बचाए रखना। अपने आंसू को रोक लो गुलाबो, ये आंसू इंसान को कमजोर कर देता है। मैं कमजोर नहीं हूँ अब्दुल भाई, और ना ये दुख के आंसू हैं, ये आंसू तो गुस्से के उबाल हैं जो तबरेज के मौत के साथ ही खत्म होंगे। हाँ हम जानते हैं गुलाबो, धीरे धीरे पाकिस्तानी हुकूमत भी ज्यादा हरकत में आएगी, इससे पहले हमें तबरेज तक पहुंचना होगा। मैं जाकर पता लगा कर आता हूँ। खुदा हाफिज़ भाईजान। हाँ। अपना ख्याल रखिएगा। जिस भाई की तुम जैसी बहन हो उसकी हिफाजत तो खुदा करता है। गुलाबो जो पाकिस्तान में कर रही है वो हमारी जनता और हमारी सेना वर्षों से करना चाहती है। सर सर आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या आप नहीं चाहते हैं सर कि उन दहशतगर्दों को सजा मिले? सर अगर आज गुलाबो मर गई ना तो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना मर जाएगा। सर हमें किसी भी हालत में उस तक मदद पहुंचानी होगी। सर सर आज वक्त आ गया है, बल्कि अपने दिल की सुने, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज सुने। सर सर अगर आज भी हम चुप बैठे ना तो हमारे देशवासियों का सेना पर से भरोसा उठ जाएगा। सर बात तो तुम ठीक कह रहे हो सुशील, लेकिन हम या हमारा कोई भी आदमी उतने अंदर तक जा नहीं सकता, और तुम बता रहे हो कि उनकी लोकेशन का कोई पता भी नहीं है। तब तो सुशील हमें ऊपर वाले से दुआ करनी चाहिए। गुलाबो अगर इरादे नेक हो ना तो ऊपर वाला भी साथ देता है। ऐसा लगता है इन दोनों मुल्कों को दहशतगर्दी से निजात मिलने वाली है। लेकिन हुआ क्या भाईजान? तबरेज से मिलने के लिए हिंदुस्तान से यहाँ VIP गेस्ट आ रहा है। तबरेज ने उनके स्वागत के लिए एक जश्न रखा है, बस हमें एक छोटी सी मुश्किल पार करनी है। मुश्किल?
कैसी मुश्किल? शबनम, तुम्हें साथ में चलो, मैं तुम्हें शबनम के बारे में रास्ते में बताता हूँ। जी चलिए चलिए भाई चलिए। अच्छा, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। इंशाल्लाह जनाब। शहरयार साहब आप हमें बताएंगे ये हो क्या रहा है? तबरेज साहब, आपकी जान को खतरा है और हम आपके जान के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। आज से आप हाई सिक्योरिटी में। मतलब आप हमें हमारे ही घर में कैद करना चाहते हैं? अब आप इसे जैसा समझें, लेकिन आज से आप गुसलखाने भी जाएंगे तो हमारी निगरानी में। क्या बेवकूफी है ये शहरयार साहब। और ये चलेगा कब तक? बस जब तक कि वो लड़की पकड़ी नहीं जाती। पकड़ी कब जाएंगे? बहुत जल्द। हमने पूरे पाकिस्तान को हाई अलर्ट कर दिया, अब वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। देखिए शहरयार साहब, हमारी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, इसे आप बखूबी निभाएं। आपको जो करना है ये आप जाने, लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि कल हिंदुस्तान से हमारा एक सरकारी मेहमान यहाँ आ रहा है और हमने उनके मेहमान नवाजी में एक जश्न रखा है जो कभी भी मुलतवी नहीं हो सकती है। बेहतर है, लेकिन वो जश्न हमारी निगरानी में होगा। जैसा आप मुनासिब समझें। से पर्दा जो हटा दूं तो आह निकले, सरक जाए जो दुपट्टा तो वाह वाह निकले। दिल थाम करके बैठी महफिल में जनाब, सुना है कि मोहब्बत में पिघले। हाँ।
शबनम बेगम, इससे पहले कि हमारे सब्र का पैमाना टूट जाए और हम बेकाबू होकर अपने होश गंवा बैठे, इस हुस्न के समंदर में हम डूब जाना चाहते हैं। अनछुई है जनाब, इतने सारे लोगों के सामने शर्मा रही है, बाजार में नई नई आई है ना। ये हमारी अमानत है, हम इन्हें अपने हरम में ले जाएंगे। आदा। आप लोग यहीं रुकें। कहीं तो देखा है, कहीं तो वो कहां, कहां, कहां। इतना मत सोचिए, हम खुद बता देते हैं, हम गुलाबो हैं। ओह, यही तो। क्या आप जानते हैं? जी जनाब, ये इलाहाबाद से आई है। मकसूद को मारा था? हाँ, मैं वही हूँ, और आज तुम्हें मार के इस पूरी दुनिया को तुम्हारी दहशतगर्दी से निजात दिलाऊंगी। आप हमें तब मारेंगी ना जब हम आपको जिंदा छोड़ेंगे। पहले हम आपके हुस्न के शहद को चखेंगे, फिर आपको तड़पाएंगे, इतना तड़पाएंगे कि कोई भी हिंदुस्तानी फिर दोबारा मेरी तरफ देखने की जरूरत भी ना करे। आपने हमारी अभी तक दहशत देखी है ना, अब हम आपको अपना हैवानियत दिखाएंगे। ये कहने में इसको बनता है। पीछे चलो, पीछे। अपनी अपनी गन नीचे करो। गन डाउन। शहरियार, अब तुम ही मुझे बॉर्डर तक ले जाओगे। चलो, चल। चलो, तबरेज, चल। अब्दुल? हाँ अब्दुल। सुचिल भाईजान, बड़े बदनसीब हैं हम जो गुलाबों का साथ यहीं तक दे पाए।
वो बॉर्डर के लिए निकल चुकी है। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। सुशील भाई। हाँ अब्दुल। खुदा हाफिज। अब्दुल 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 जल्दी चलो। हे तबरेज, होशियारी नहीं, गन चला दूंगी मैं। क्या लगता है आपको, आप इसके सहारे बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे? करूंगी, तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम देखते रह जाओगे। जल्दी चलो। इंशाल्लाह। सर हा? सर, गुलाबो तबरेज आलम को लेकर इस्लामाबाद से निकल गई है सर। इट्स गुड सर, उसका रेस्क्यू होना बहुत जरूरी है और वो हमारे पोस्ट की तरफ ही आ रही है सर। ऑल द बेस्ट। गो अहेड सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जय हिंद सर। बॉर्डर तक चल। तू चला गुलाबो, यकनी के कोनो भरोसा नहीं है। क्या लगता है, हमें मारकर आप पाकिस्तान से निकल जाएंगे?
मरोगे, लड़ोगे? याद है 65 में मारा, 71 में मारा, 99 में कारगिल से मार के उतारा, कभी पठानकोट में तो कभी उरी में घुसपैठ करते हो। तुम लोग सुधरने के लायक नहीं हो, मरने के लायक हो तुम लोग। नो सुशील, हमारी दुश्मनी इससे नहीं है, जिससे हमारी दुश्मनी थी वो मारा जा चुका है। जा जा शहरे यार, अपने डिपार्टमेंट को, अपने अफसरान और हुकूमत को जाके ये समझा दे कि अगर आतंकवाद को पैदा करना बंद नहीं किए तो आज तो गुलाबों ने घुस के मारा है, कल पूरी भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस जाएगी और उसके बाद जो तबाही होगी उसे देखने के लिए न तुम बचोगे, न इस्लामाबाद बचेगा, न पाकिस्तान। शहीद, दो वतन पर हुए हैं शहीद।